आप इसे बनाइए और एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, कुक एट होम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले। तो मैंने ये चार करेले थे मेरे पास, ये लिए हैं। इसको ऊपर से स्क्रैच करके जितना आप करना चाहते हैं, करने के बाद इसे हमने अंदर से हार्ट बीज निकाल दिए हैं। और इसका बड़े करेले थे इसलिए हमने दो साइज़ में काट लिए। आप जितना साइज चाहें उतना रख सकते हैं। अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे फिल करने के लिए। तो करेले के हिसाब से और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे, हाफ स्पून सॉल्ट और चुटकी भर हल्दी, हाफ स्पून लाल मिर्च, हाफ स्पून गरम मसाला और 1 स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें सौंफ डालेंगे, ये ऑप्शनल है। आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल रहे हैं। आप चाट मसाला या आमचूर पाउडर, या आम का सीज़न है, आप थोड़ा सा आम कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे मसाले को। बस इस तरह आपने पेस्ट बनाना है। पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। बस इस तरह का पेस्ट बनाएंगे। अब इसको करेलों को हम ऐसे ही इस पेस्ट से भर लेंगे, बीच में स्टफिंग दे देंगे थोड़ी थोड़ी। ऑन करेंगे और सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। आप चाहे इसे जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। हाफ स्पून, हाफ कड़छी ये ऑयल लिया है। इसको हम गरम करेंगे। इसमें थोड़ा सा चुटकी नमक डालेंगे क्योंकि सरसों का तेल है तो थोड़ा गरम होता है, तो इसमें थोड़ी सी महक आती है तो वो ठीक हो जाती है। ये करेले जो हैं ये फिल कर लिए हैं। ये जो मैंने चार करेलों से ये पीस बनाए थे, ये सारी की फिलिंग जो हमने तैयार की थी उससे फिल कर दिए। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें हम धीरे धीरे ऐसे डाल देंगे सारे करेलों को। और इसमें इसको बांधा नहीं है, इसको ऐसे ही आप डाल दीजिए जैसे सब्जी बनाते हैं और गैस को सिम कर दीजिए। इसको हिलाइए, इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे और इसे ढक देंगे। अब ये 15 मिनट बाद ये करेले जो हैं वो हो चुके हैं। इसको आप ऐसे प्रेस करके देख लीजिए, ये दब रहा है। और ये अब आप निकाल लिए, इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ खाइए। ये बन चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में हम जो है ये करेले का पील है ये भी बना सकते हैं। अभी इसमें तेल की ज़रूरत नहीं है। इतने पील के लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है। बस इसको हल्का सा सौते करके आप चाहें तो थोड़ा तेल डाल सकते हैं इसमें, और सिम पर ये ऐसे भी बन जाएंगे। ये पील को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी एक ही अनियन डाला है मैंने, और इसमें से टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल दीजिए और हल्की सी मिर्च, बस। और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ये तैयार हो जाएंगे 5 मिनट में। और इनको हम ढक देंगे, 5 मिनट में ये भी तैयार हो जाएंगे। अभी ये जो है 5 मिनट में करेला पील्स जो है ये तैयार हो चुके हैं। इसको आप
रोटी के साथ खा सकते हैं और करेले भी तैयार हो सके।